बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी टूप में पेपर हैकर में। मैं सूरत राज और आज के वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकेंड ईयर में है, एजुकेशन का फर्स्ट पेपर लेके आए हैं। अब आप ये ध्यान रख लेना, मेरी बात सोच के समझना, माइंड में एक बात रख लो याद, कोई भी क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों को रट लेना आप। पेपर में बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आपको बीए एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो छात्र बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो होते हैं ना बीए को बहुत हल्के में ले लेते हैं, और जब हल्के में लेते हैं तो उनको भारी हो जाता है। और भारी पढ़ने का मतलब क्या, एक बच्चा था इतना अच्छा आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और आप ये देख लो उसकी परसेंटेज बीए में पता है कितनी है, 49 पॉइंट कुछ में दिखा रहा है। अब आप ये समझ सकते हो, मैं तभी आपसे कहता हूं कि बीए को हल्के में मत लो, समझ रहे ना, बीए को हल्के में आपको नहीं लेना है, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत कर लो काम हो जाएगा। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो कम समय में अच्छे नंबर लाकर आप पास हो सकते हो, अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, अभी अभी करो यार, करो सब्सक्राइब का बटन दबाओ पहले, चलो करो, और दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, टेलीग्राम पर भेज रहे हो, धड़ाक से फेंक दो यार व्हाट्सएप, ठीक है। आप देखो ध्यान से, क्योंकि आपको 2022 ये जो पेपर हो रहा है अभी हाल ही में, उसमें आपको 80% से ऊपर लाना है, पर पेपर की बात कर रहा हूं, पर पेपर 80% से प्लस लाना है। तो आपको इस वीडियो को अभी देखना होगा, पूरा देखना होगा लास्ट तक, और इन क्वेश्चनों को अपने बुक नोट्स गैस पेपर पर टिक लगाना होगा, बस यही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना, समझ रहे हो। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। आप देखो ध्यान से क्या क्या आ रहा है पेपर में, आप इन क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है, जिसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं, उसका फर्स्ट पेपर है, यह है शिक्षा मनोविज्ञान। अब पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, उसकी परिभाषा बताओ, अर्थ बताओ, ठीक है, उसका उपयोगता, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उसकी विधि और उसको निरीक्षण पद्धति के गुण, उसके इसको छोड़ दो, निरीक्षण पद्धति को छोड़ दो, ये बता देना शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग कहाँ किए जाते हैं और क्या विधि है इसकी। एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन बनता है, और ये 100% पेपर में फंसेगा, इसको कोई हटाने वाला पैदा नहीं है, पेपर में से छपने से कोई बचा नहीं सकता इसको। आपसे पूछेगा कि अधिगम क्या होता है, अधिगम क्या होता है, या फिर अधिगम को हम सीखने का नियम कहते हैं, सीखना, मैं लिखना सीखता हूं, लिखेंगे तो बच्चे छोटा होता है तो उसे लिखना सिखाया जाता है, ठीक है, कि बेटा इस नकल करो देख देख कर, इसके ऊपर पेन फिराओ, तो वो चीज है सीखना, अधिगम को सीखना बोलते हैं। से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा, कारण, नियम कौन कौन से, सीखने के नियम होते हैं तो उन नियमों को अपनाना है। जैसे कि बच्चे को आपने देखा होगा इस तरीके से ए लिखी होती है, ए ऐसे बिंदी होती है, बच्चा क्या करता है, पेन को उठाता है, पेंसिल को उठाता है और इन बिंदुओं पर चलाता है ऐसे करके, ए बी, ये सीखने के नियम है अपने अपने, समझ रहे ना, कुछ बुकों में ऐसा होता है, तो कुछ सीखने के दुनिया में वो आपको अपनाना होगा। मैं यहां एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, कुछ खास नहीं है, नियम आपको देख लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो जो बता रहा हूं वही पढ़ के चले जाना, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, समझ लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है त्रुटि का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उनके गुण दोषों के बारे में, अति दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है ना, और थर्मोडाइक का प्रयास क्या रहा है, ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, आप इसको एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, और बना बना के लिख दोगे, पक्का बना बना के लिख देना यार। यार ऐसा थोड़ी होता है कि पेपर में टोटल जो गैस पेपर या आप जिससे भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको छाप के आओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ हम पढ़ लेते हैं उसके बाद में उसको बना बना के लिख के आते हैं, यही होता है पेपर में, ठीक है। ये है अभिप्रणा, अधिगम के नियम अनिवार्य है, महत्व बताइए, छोड़ो इसको, इस क्वेश्चन को देखो, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या होता है, उनके देखो व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब है हर व्यक्ति में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, मतलब मेरी सोच अलग है और आपकी सोच अलग होगी, ये क्लियर है, सोच लो, मिला लो यार, कोई भी मेरे कोई भी रिएक्शन से आप अपना रिएक्शन को मिलाओ, समझ रहे ना, तो हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या होता है, मतलब व्यक्ति में भिन्नता क्या होती है, उनके क्या महत्व है और किस कारण से ये होती है। यहां है बुद्धि की भिन्नता सिद्धांतों का वर्णन करना है, बुद्धि के भिन्नता सिद्धांत, मतलब कि हर एक इंसान में बुद्धि भी अलग अलग होती है, इसलिए उनको एक सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत को पढ़ के जाना, विशेषता के बारे में पढ़ के जाना है। यह है व्यक्ति
व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसकी विशेषताएं और उनके अनुवंशिक कारक कौन कौन से हैं व्यक्तित्व के। सही है, टिक लगा लिया आपने अपने बुक नोट्स के पेपर जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या करेंगे, यहां कह रहा है मानसिक स्वार्थ क्या होता है, उसकी विशेषताओं के बारे में। यहां कह रहा है विशेष बालक से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक विशिष्ट बालक है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। यार मान लीजिए मैं आपके लिए नजर में बहुत पहली बार मैं आपके सामने आया हूं मान लीजिए, और मैं आपको लगता नहीं हो कि मैं बहुत विशिष्ट हूं, बहुत अच्छा हूं, इंटेलिजेंट हूं, लेकिन कुछ लोगों को पता है, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता है कि हाँ ये बंदा कुछ अलग है, इसके अंदर कुछ खास है, तो आप उसकी पहचान किस तरीके से करने वाले हो। मान लीजिए आपने मुझे पहली बार देखा तो आप किस तरीके से मेरे स्वभाव, मेरे रिएक्शन को देखकर, मेरे कुछ करने के तरीके को, मेरी सोच को देखकर किस तरीके से आप बताएंगे कि विशिष्ट चालक, विशिष्ट बालक की पहचान आप किस तरीके से करेंगे। देखो बालक से आप क्या समझते हैं, इसकी पहचान भी आपसे पूछता है और के वर्गीकरण महत्व के बारे में पूछ लेता है। आप सब सीख जाओगे, अगले मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो यहां बोला गया है, यहां कह रहा है शिक्षा में पिछड़े बालक, जो शिक्षा में पिछड़े बालक हैं उनकी विशेषता और पिछड़ेपन का कारण, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, नोट कर लो मेरी बात। चलो सृजनात्मकता बालक की विशेषता देखेंगे, मनोविज्ञान ऊपर बता चुका हूं तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को, उसके बाद क्या है नोट करो, उसके बाद क्या है देखो, मनोविज्ञान ऊपर पढ़ चुके हैं, मनोविज्ञान शिक्षण के उत्तर अंत छोड़ दो, खत्म करो इसको। यहाँ है आत्मनिरीक्षण विधि क्या होती है, आप इसको पढ़ेंगे। देखो जीवन इतिहास विधि के गुण के बारे में देखेंगे। यहाँ है प्रयोगात्मक विधि के लाभ और गुण दोषों के बारे में। सीखना एक अत्यंत प्रक्रिया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। सीखना एक अवनत प्रक्रिया है, मतलब कि अंदर से ही क्रिया निकलती है। यहाँ है तत्परता का नियम क्या होता है, तो तत्परता के नियम को पढ़ के जाएंगे। उसका उपयोग क्या है, थर्मोडाइक, देखो थर्मोडाइक ने बिल्ली पर एक प्रयोग किया था, थर्मोडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर, तो बिल्ली के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, क्या प्रयोग किया था, वो कैसे किया था, वो चीजें, ठीक है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का तो ऊपर बता चुका हूं, उसके प्रकार महत्व ऊपर बता चुका हूं। बुद्धि एक खंडनीय और द्विखंडनीय सिद्धांत को पढ़ लेना, बुद्धि के एक खंडनीय और द्विखंडनीय सिद्धांत दिए गए थे, उस सिद्धांत को पढ़ के जाना है। और बुद्धि लब्धि क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप पढ़ के जाएंगे। मानसिक आयु क्या होती है, ठीक है, ये है संवेदात्मक वृद्धि क्या होती है, उसको आप पढ़ के जाएंगे। और अंत, यहाँ कह रहा है अंतमुखी और बहुमुखी व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 2022 के एग्जाम में टॉप करना है, मजाक नहीं है ये, सीरियस लेना होगा आपको, पेपर में एक एक क्वेश्चन बसेगा। यहाँ है देखो प्रतिभाशाली बालक का अर्थ क्या होता है, उसकी पहचान देखो दे दिया, प्रतिभाशाली व्यक्ति है उसको आप कैसे पहचानोगे, सृजनशील बालक की पहचान आप कैसे करोगे, पिछड़ेपन और मंद बुद्धि वाले बालक में अंतर क्या होता है, या उनकी पहचान कैसे पढ़ोगे, ठीक है, कैसे करने वाले हो, ये पॉइंट बनता है। और बस इतना ही आपको पढ़ना है और 2022 के एग्जाम में 80% प्लस लाना है, मतलब कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी एजुकेशन के सेकंड पेपर में हम बहुत जल्दी देखेंगे, जिसका नाम होगा शिक्षा में विचार एवं अभ्यास, ये पेपर का सेकंड पेपर का नाम होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।